Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. आज तो बहुत मजा आया स्नोई। अगली बार मैं तुम्हें वो खेल दिखाऊंगी जो एयर मेजेस खेलते हैं। हमें क्विल की जरूरत होगी और नहीं हो। मुझे अब बोलोगे तुम थ्रेट ऑफ ऑल। अच्छा इसको क्या हो गया? मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। इसके पेटल्स कैसे मुरझा रहे हैं। रुको मैं कुछ करती हूँ। बताओ मैरी तुम्हें कुछ मिला क्या? सबर करो ढूंढ रही हूँ। मैरी सर जल्दी करोगी? मिल गया मुझे। हमें मैजिकल फॉरेस्ट से कैट फेरी चाहिए। बस अभी लाई। अरे वाह ठीक हो गया मैं। बिल्कुल फ्रेश हो गया। बहुत शुक्रिया। क्या बात है तुम्हारी कैट फेरी? वेल हेलना मुझे लगता है तुम्हें कैट फेरीज के बारे में और सीखना चाहिए। कैट फेरीज अच्छी फ्लावर फेरीज होती हैं। ब्लूमिंग मैडो उनका घर है। इन्हें खेलना नाचना और खुशी के गाने गाना दुनिया में हर चीज से ज्यादा पसंद है। पर जैसे ही कोई फ्लावर मुरझाने लगता है ये उसे बचाने के लिए फौरन हाजिर हो जाती हैं। एक दिन ब्लूमिंग मैडो पर बड़ा खतरा जाहिर हुआ। जादुई बारिश ने मैडो के सारे फूलों के रंगों को धो डाला। कैट फेरीज ने आसमान की तरफ उड़ान भरी। इस तरह वो क्लाउड किंगडम में एंटर हुए। वहाँ उन्होंने देखा कि क्लाउड किंग और क्वीन रैम्बो का एक बच्चा है जिसका नाम क्लाउडी है। तो पता ये चला कि यही है जो सारे रंगों को धो डालने का जिम्मेदार है। उसके पेरेंट्स उसे चुप कराने के लिए हर चीज आजमा चुके थे। फिर कैट फेरीज को समझ आ गया कि बच्चे को गरजती हुई बिजली और रेनबो से चुप नहीं कराया जा सकता। उन्होंने सबसे खूबसूरत फूल लिए और प्यारा सा झूला बनाया। कैट फेरीज ने बेबी क्लाउडी को झुलाया और लोरी सुनाई। कैट फेरीज ने जादुई झुंझुना किंग और क्वीन के पास रहने दिया। इसके बदले उन्होंने कैट फेरीज को एक गिफ्ट दिया, द वंडरफुल कलर्स। कैट फेरीज उसे घर ले आई और वापस फूलों को रंग दिया और इस तरह इनका फॉरेस्ट बिल्कुल पहले जैसा हो गया। वो कितनी बहादुर थी कि उन्होंने इतने ताकतवर एलिमेंट्स का सामना किया। काश वो कलर्स मुझे भी मिल जाएं। पियोनी एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारा मैजिक सिर्फ फूलों पर काम करता है? मेरा मतलब अगर मेरी ग्रैनी का प्लांट तुम ठीक कर दो। वाह बहुत शुक्रिया तुम्हारा।